क्रिस्टियानो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एलएस टेक्निकल चैनल में। जैसे कि आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, जो होने वाला है कॉपीराइट क्लेम पर। तो आपको पता ही है, बहुत से लोग कहते हैं कि मेरे वीडियो पर कॉपीराइट आ गई है, तो बहुत से लोग टेंशन में आ जाते हैं कि कॉपीराइट आ गया, अब क्या होगा, मेरा चैनल तो नहीं बंद हो जाएगा। तो आप बिल्कुल टेंशन ना ले, वो कॉपीराइट इसलिए आ जाता है कि किसी का आप म्यूजिक यूज़ कर लेते हैं तो उस पर कॉपीराइट क्लेम लिखा जाता है। तो वो कॉपीराइट को रिमूव करने के लिए आज मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई है। तो आइए हम बिना किसी टाइम वेस्ट के आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको सिखाते हैं कि कॉपीराइट रिमूव कैसे करते हैं। तो आइए फोन की स्क्रीन पर। तो जैसे कि गाइस आप देख सकते हैं, मैं अपने फ़ोन की स्क्रीन पर आ चुका हूं और हमें जाना है क्रोम पर। तो हम क्रोम ओपन कर लेते हैं। जैसे कि मेरा क्रोम ओपन हो गया, हमें जाना है यूट्यूब पर। YouTube ओपन हो चुका है हमारा, देख सकते हैं आप। अब हमें जाना है ये थ्री डॉट पर, इस पर जाके हमें जाना है डेस्कटॉप साइट पर। डेस्कटॉप साइट ओपन हो गई है हमारी, हम ओपन कर लेते हैं इस तरीके से। जैसे कि हमारी डेस्कटॉप साइट ओपन हो चुकी है, जैसे कि पीसी में ओपन होती है, इस तरीके से हमने अपने फ़ोन में ओपन कर लिया है। जैसे कि हमारी ओपन हो चुकी है, तो हमें जाना है अपने लास्ट में बेल आइकन के बराबर में, इस पर हम क्लिक कर देते हैं राइट हैंड साइड पर। अब हमें जाना है यूट्यूब स्टूडियो में, हम यूट्यूब स्टूडियो पर क्लिक कर देते हैं सेकेंड ऑप्शन। इसके बाद में हमें, जैसे कि ये हमारा पेज ओपन हो चुका है, थोड़ा लोडिंग ले रहा है, बस होने वाला है। इस तरीके से हमारा पेज ओपन हो चुका है और हमें जाना है लेफ्ट हैंड साइड पर वीडियो पे जो ऑप्शन बन रहा है उस पर जाना है, सेकंड में, सेकंड ऑप्शन है हमारा। जैसे कि हम इस पर क्लिक कर लेते हैं, जैसे कि हमारा ये ऑप्शन ऑन हो चुका है, देख सकते हैं आप इसमें। अब ये एक मेरी वीडियो पर आप देख सकते हैं ये कॉपीराइट क्लेम आ रहा है लिखा हुआ, जैसे कि देख सकते हैं आप, लोडिंग हो रही है। मेरी एक वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम आ रहा है लिखा हुआ, देख सकते हैं आप। जूम करके दिखा देता हूँ आपको, देख सकते हैं। अब हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये आ रहा है सी डिटेल्स, इस पर हमें क्लिक करना है। आइए इस पर क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद देखिए, जैसे कि ये पेज ऐसा कुछ ओपन हो जाएगा, इसके बाद ये पेज ऐसा ओपन हो जाएगा, इसके बाद आप देख सकते हैं साइड में आ रहा है थ्री डॉट, इस पर हमें क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद ये आपको देख रहे होंगे थ्री ऑप्शन है, एक आप वीडियो को कट कर सकते हैं और एक पे आप म्यूज़िक को बदल सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, एक पे आप म्यूट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये थ्री ऑप्शन है, तो हमें करना है रिप्लेस म्यूज़िक को, तो हम सेकंड ऑप्शन से रिप्लेस कर लेते हैं। ठीक है गाइस, रिप्लेस पर क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, रिप्लेस पर क्लिक करने के बाद में ये कुछ इंटरफेस खुल जाएगा, देख सकते हैं आप, इस तरीके का कुछ पेज खुल जाएगा। कुछ ऐसा लोडिंग लेगा, लोडिंग लेने के बाद कुछ ये सॉन्ग्स आ जाएंगे, आपके सॉन्ग लगा सकते हैं, जो आप सॉन्ग आपको अच्छा लगे वो आप सिलेक्ट करके इस पर रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं ये गाने आपको दिखा देता हूँ, मैं बहुत सारे गाने, जो भी गाने आपको अच्छा लगे वो आप क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। ब्लू वो सब बटन जो दिख रहा है आपको, इस पर आपको क्लिक कर देना, उसके बाद आपका जो भी है सॉन्ग वो रिप्लेस हो जाएगा। तो आइए आपको दिखा देते हैं ऐड करके रिप्लेस कैसे होता है, तो हम इस पर ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ऐड हो चुका है, देखिए नीचे ब्लू लाइन आ चुकी है, तो हमारा सॉन्ग लग गया है। इसके बाद सेव कर देना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना। सेव करने के बाद आपका देखिए कुछ इस तरीके से आ जाएगा और आपका कॉपीराइट क्लेम हट जाएगा। तो हम आइए चेक कर लेते हैं हमारा कॉपीराइट क्लेम हट गया या नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं गाइस, हमारा कुछ ऐसा पेज ओपन हो गया और ये हमारा कॉपीराइट क्लेम हट चुका है, कुछ चेकिंग करके आ रहा है। तो आप देख सकते हैं चेकिंग करके आ रहा है, कुछ 5-10 मिनट में हट जाएगा। तो गाइस हमारा कॉपीराइट क्लेम रिमूव हो गया, आप भी ऐसा रिमूव कर सकते हैं। ओके गाइस, रिमूव हो चुका है जैसे कि आपका आता है, तो आप भी रिमूव कर दीजिए बिना टेंशन के। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। नेक्स्ट वीडियो बता दें मैं किस पर बनाऊँ। तो ऐसे ही गाइस प्यार बनाए रखें और सपोर्ट करते रहें। सो थैंक यू।